बंगाल में टीएमसी का लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू। सीएम ममता बनर्जी ने भरा ब्रिगेड ग्राउंड से हुंकार, सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा। कीर्ति आजाद दुर्गापुर से लड़ेंगे चुनाव, तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से भरेंगे चुनावी हुंकार। बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट कटा, टीएमसी ने हाजी नूरुल इस्लाम को बनाया उम्मीदवार। क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन को देंगे टक्कर। ममता बनर्जी ने रैली में एनआरसी और आधार कार्ड को मुद्दा बनाया, बोली लागू नहीं होने देंगे एनआरसी, आधार कार्ड की नहीं होगी स्क्रैपिंग। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की गैस सिलेंडर के दामों पर की गई कटौती को भी मुद्दा बनाया, बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बोली चुनाव में लुभाने के लिए किया क्या सस्ता। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी बंगाल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही। चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, बोली बंगाल ही तय करेगा देश की दिशा। चुनावी संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिया नारा, गली गली में गर्जन बीजेपी का विसर्जन। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर भी साधा निशाना, बोली ये 2-3 दिन में फिर आएंगे, इससे डरने की जरूरत नहीं। यूपी के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने की सौगातों की बरसात, 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोकार्पण शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता रहे शामिल, इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, बोले आजमगढ़ अनंतकाल तक विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, कहा पहले यहां जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, अब कानून का राज। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद परिवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की उड़ा रहा नींद। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का भोजपुरी अंदाज भी दिखा, प्रधानमंत्री भोजपुरी भाषा में बोले, कहा कि अब पढ़ाई और दवाई के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में त्रिशूल दिखाकर फूंका चुनावी बिगुल, जीत के लिए बाबा से मांगा आशीर्वाद। साइबर सिटी से द्वारका जाने वालों को कल मिलेगी बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, NH-48 पर कम होगा यातायात का दबाव। बंगाल सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित, बंगाल में पहली बार रखी गई है रामनवमी पर छुट्टी। अमृतसर में किसानों ने लगाया रेलवे स्टेशन पर धरना, कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। अमृतसर में सरवण सिंह पंढेर ने कहा हमने पूरे देश में रेल रोको का आह्वान किया, आम लोगों से आग्रह करते हैं देश के लोग बड़ी संख्या में रेल रोको में हमारा समर्थन करें। शरद पवार ने पहले कैंडिडेट का नाम किया घोषित, बारामती से ही चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में एमवीए का सहयोगी दलों में सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, अमोल कार्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से बनाया पार्टी का उम्मीदवार। बीजेपी ने झारखंड से घोषित किया अपना राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप वर्मा को दिया मौका। सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार को चुनौती, केजरीवाल ने कहा तुम जितने समन भेजोगे उतने स्कूल बनाऊंगा, मुझे ईडी के आठ समन आए। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री परिवार, कहा 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छा। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी की और अलग अलग फोटो जारी कर लोगों से पहचान करने की अपील की, आरोपी अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची झालावाड़, मीनाक्षी ने दावा किया कि हम जीतेंगे 400 सीटों से ज्यादा, कल बीजेपी के कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित।
गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्ण। राहुल गांधी दिल्ली लौटे, कल महाराष्ट्र से शुरू होगी यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सभी विधायकों के साथ की बैठक, गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा। राहुल गांधी ने सभी विधायकों को साल 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा, लोगों के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की सलाह। गुजरात सरकार ने बजट में घोषित दो योजनाओं की शुरुआत की, नमो लक्ष्मी नमो सरस्वती योजना का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया आगाज। नमो लक्ष्मी योजना में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 50,000 की वित्तीय सहायता। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना में कक्षा 11-12 विज्ञान में पढ़ने वाली छात्रों को सरकार देगी 25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने फौरन मंजूर किया इस्तीफा। चुनावी व्यवस्था का जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पर आया। निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल, टीएमसी ने कहा अब पीएमओ चलाएगा चुनाव आयोग। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने अपने खून से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बंगाल को बचा लीजिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, 80% मसले हमने हल किए। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट हादसे में पुलिस की चार्जशीट, पूर्व एसपी मंत्री शाहिद को बनाया आरोपी। राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार, अखिल भारतीय हिंदू महासभा लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आदित्य नारायण मिश्रा बने आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी, एमएलए संजीव झा शिक्षक विंग के प्रभारी नियुक्त। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में बड़ा तूफान, कांग्रेस के 9 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। डीएमके ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के समझौते को दिया अंतिम रूप, तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में 1 सीट की गई आवंटित। लालू प्रसाद यादव के करीबी राजद नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया, बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा है सुभाष यादव का नाम। बालू माफिया सुभाष यादव के ठिकाने से करीब 2.5 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए, आगे की कार्रवाई जारी। बेंगलुरु जल संकट के लिए बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन, कहा जल संकट से हुई छवि खराब। कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 पूर्व मंत्रियों समेत 30 से अधिक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। लद्दाख में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का आज 5वां दिन, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। अपने वीडियो में वांगचुक ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मैनिफेस्टो पर जोर दिया, घोषणा पत्र में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने का था वादा। जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार, 22 किलोग्राम अफीम जब्त। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े 30 बैंक खातों को पुलिस ने किया फ्रीज, ड्रग मनी से खरीदी गई 6 करोड़ रुपए की 12 संपत्तियों की पहचान हुई। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की आज बशीरहाट कोर्ट में पेशी, 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे गए टीएमसी नेता। बीजेपी विधायक ने गोपाल मंडल पर की तीखी टिप्पणी, कहा गोपाल मंडल खुद अपने मियां मिट्ठू बनते हैं जो खुद हत्यारे हैं। कच्छ में सीमा पार करने के अपराध में पाकिस्तान जेल में बंद, चरवाहे की सजा पूरी, फिर भी 5 साल से पाकिस्तान में कैद, परिवार के लोगों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। दिल्ली में खादी नेशन खादी फॉर फैशन के लिए कार्यक्रम, नेताओं ने बैठक कर खादी को बढ़ाने का दिया उद्देश्य। चेन्नई में ए अबूक पर ने पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए भारत से जेद्दा तक सीधी उड़ानों की घोषणा की, लोगों में खुशी की लहर। रामेश्वरम में हजारों श्रद्धालुओं ने रामेश्वरम अग्नि तीर्थम सागर में पितृकर्म पूजा की, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरियाणा के हिसार से बीजेपी सांसद जितेंद्र सिंह ने दिया पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से किया स्वागत। गुजरात के जूनागढ़ में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध दरगाह को किया ध्वस्त। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग का किया भंडाफोड़, साथ ही 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सिरोही में 2 गुटों में झड़प, रोकने गए पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या, मामले में 3 गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड के 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा एक शख्स, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जल बोर्ड के कर्मचारियों का आरोप, चोरी के मकसद से आया था व्यक्ति। केशवपुर बोरवेल हादसे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे के अंदर सभी खुले बोरवेल को सील करने का निर्देश दिया। केशवपुर मंडी पहुंची जल मंत्री आतिशी, बोरवेल में गिरे शख्स के रेस्क्यू कर लिया जायजा। जल बोर्ड पहुंचने पर दिल्ली के मंत्री आतिशी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर घेराव, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत घटनास्थल पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, जलती आग दिखी, लोग दहशत में।
उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला मामला आया सामने। झगड़े के दौरान महिला ने युवक का काटा कान। जौनपुर में प्रधानी की रंजिश में हुई बीजेपी नेता प्रमोद यादव की हत्या। बीजेपी नेता प्रमोद यादव के भतीजे और घटना के प्रत्यक्षदर्शी संजय यादव ने किया खुलासा। अलवर में बीफ मंडी के मामले में मेव पंचायत का बड़ा फैसला। गौकृषि करने वालों के घर पर चला था बुलडोजर। महेंद्रगढ़ में पिता ने दो बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद। जयपुर में हड़ताल से पेट्रोल पंप पर मारामारी। देर रात तक गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए लगी कतार।